तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। दोस्तों सोल्जर इस मूवी के तो सभी दीवाने हैं। बॉबी देओल को इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के लिए भी काफी प्रशंसा मिली थी। भारतीय सेना की फिल्में हमेशा हमें गर्व की भावना पैदा करती है। यह हमें उन सभी बलिदानों की याद दिलाता है जो हमारे सैनिक राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, और उनकी निस्वार्थ सेवा और बलिदानों की याद दिलाने के लिए कुछ बॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी। आइए नजर डालते हैं उन पर। दोस्तों पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म है उरी। यह फिल्म भारतीय सेना द्वारा किए गए एक सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। जब आतंकवादियों के एक समूह ने 23 सैनिकों को मार दिया था। आपको यह फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि यह न केवल हमलों और इसके भीषण विवरण की व्याख्या करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए कितनी योजना और सरासर साहस चाहिए। यह आपको हमारी सेना के जवानों के व्यक्तिगत जीवन और देश के प्रति समर्पण के संघर्ष का भी एहसास दिलाएगा। ये वो फिल्म थी जिसने विक्की कौशल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। दूसरी फिल्म है राजी। आलिया भट्ट के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है। इस फिल्म में वह एक अंडरकवर जासूस की भूमिका निभाती है जो एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी से शादी करती है और गोपनीय सूचना के साथ भारतीय सेना में जाती है। यह हरिंदर सिक्का के एक उपन्यास पर आधारित है जिसका शीर्षक है कॉलिंग सहमत, जो सहमत खान की वास्तविक कहानी को बनाता है। भले ही वह वर्दीधारी सैनिक नहीं थी, लेकिन उसने देश को कई सुरक्षा खतरों से बचाया। दोस्तों तीसरी फिल्म है केसरी। 2019 की यह फिल्म आपको बताएगी कि भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे सुरक्षा बल क्या थे। भले ही हम ब्रिटिश राज्य के अधीन थे, लेकिन यह फिल्म समर्पण लोगों को उनकी मिट्टी की ओर वापस ले जाती है। यह सुरागढ़ी के युद्ध की सच्ची कहानी पर आधारित है जहां 21 सिख सैनिकों ने 10,000 से अधिक अफगान आक्रमणकारियों के खिलाफ हमला किया था। दोस्तों चौथी और आखिरी फिल्म है परमाणु। भारतीय सेना हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करती है। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि देश पुरुषों के लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली हथियारों से लैस है यदि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी आवश्यकता है। परमाणु वास्तविक कहानी है कि कैसे वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों की टीम ने दिन रात काम करके भारत की दुनिया का छठा परमाणु हथियार बनाने का काम किया था। उनकी सबसे बड़ी चुनौती उन उपग्रहों की चुपती आंखें से खुद को बचाना था जो उनकी हर चाल की मैपिंग कर रहे थे। तो दोस्तों इन चार फिल्मों में से हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें हम आपको सबसे पहले बता पाए। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।